छोटा सा एक सेशन ले लेंगे, उसके बाद हम ब्रेक लेंगे बिकॉज आज फर्स्ट डे है, सो विल नॉट पुल अप फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो ये छोटा सा जो सेशन चलेगा वो सेल्फ इंट्रोडक्शन का होगा, बिकॉज हम यहाँ पे आए हैं तो सभी को एक दूसरे को परिचय करना ज़रूरी है, क्योंकि हम एक दूसरे को हेल्प करने के लिए यहाँ पे आए हैं, राइट? हमारा कुछ तो सोल कनेक्शन होगा ना एक दूसरे के साथ, उसके बगैर तो हम यहाँ पे आएंगे नहीं. तो वो सोल कनेक्शन धीरे धीरे समझ में आएगा कि क्या है करके, और काफ़ी बार हमें रिश्ते समझ में नहीं आते, तो डजंट मैटर. Ultimately, we are on the earth, we are in the universe to neutralize the karma. That is very important. है ना? अब तक तो हम अपने रिश्तेदारों को ही नहीं समझ पाए, husband wife को नहीं समझ पाए, बच्चों को नहीं समझ पाए, mother in law को नहीं समझ पाए. तो it's not so easy to understand someone कि वो मेरी life में क्यों आया है. But doesn't matter. आपको यहाँ पे क्या करना है? अपना purpose बताना है, कहाँ से आए हो, अब तक क्या सीख के आए हो, और यहाँ से क्या लेके जाने के लिए आप थॉट रख के आए हो यहाँ पे, ताकि आपको एक दूसरे से कनेक्ट हो जाओगे, बिकॉज आपकी फ्रीक्वेंसी कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच होती है, कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट एक दूसरे से मैच होता है, तो आप पिकअप करोगे खुद ब खुद. खाना खाते वक्त, घूमते वक्त, बातें करते वक्त, भाई मुझे इसके साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, समझ में आ रहा कि नहीं? तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर वहीं से मिलेंगे. आपके हर प्रॉब्लम का एक काउंटर पार्ट है, और वो काउंटर पार्ट यही कहीं है, और आपको ढूंढना है कि मुझे आंसर कौन देगा. एक छोटा बच्चा भी दे सकता है, आपका रूम पार्टनर भी दे सकता है, हमारे टॉक में से भी आपको आंसर मिल सकते हैं, कोई मेडिटेशन में भी आपको आंसर मिल सकते हैं, कोई चैनलाइजिंग में भी आंसर मिल सकते हैं, कहीं से भी. बस ओपन माइंड से रहिए आप, है ना? तो फिर बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए समझने के लिए कि भाई मैं जिस पर्पज से आई थी उसमें मुझे क्या फायदा हो गया. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द इंट्रोडक्शन पार्ट. हमारे टीम मेंबर्स को तो आप जानते हैं, तो वी विल नॉट वेस्ट अवर टाइम बाय इंट्रोड्यूसिंग अवर सेल्फ. आपका इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमें 5 दिन आपको हेल्प करना है, आप जिस भी पर्पज से यहाँ पे आए हो. ओके, सो विल स्टार्ट विथ यू. यू कैन कम हियर एंड यू कैन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. आ जाइए, आपका नाम बताइए, कहाँ से आए हो और किस पर्पज से आए हो. शरीफ का नाम है. तो मैं कलकत्ता से आई हूँ, और पर्पस से अपने को जानना और भी अच्छे से. और अब तक मैं जो सीखा हूँ, सर से बहुत कुछ सीखे मैंने, और एक्सेस बार कॉन्शियसनेस में बहुत सारा नॉलेज है उसमें. मेरा ही आवाज़ कम, मेरा स्पीकर का थोड़ा सा, मेरा वॉइस बॉक्स थोड़ा सा लाउड नहीं जाता है. इट्स माय फॉल्ट, सॉरी फॉर दैट. तो और मैं स्पिरिचुअलिटी की एक ग्रुप के साथ एडेड हूँ, उसके ग्रुप में, उसमें साइंटिफिक रिसर्च होते हैं सोल बॉडी एंड माइंड का, माइंड बॉडी सोल का. तो साइंटिस्ट है सभी, इधर बाहर भी पेपर पब्लिश होते हैं, इधर उसके साथ अटैच्ड हूँ. और यही है, हीलिंग है. और चीगंग सीखा मैंने, मैजिक बॉल सीखा, दैट्स इट. यस, नेक्स्ट आप आइए, आपका इंट्रोडक्शन. हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम गीता गुप्ता है, मैं फरीदाबाद से आई हूँ, और ये मेरा 3rd रिट्रीट है. मेरा आने का यहाँ पे कुछ भी नहीं था, भगवान ने मुझे बुलाया है, और बेसिकली यही मेरा पर्पज़ है, खुद को जानना. सबसे पहले क्लीनिंग है,
माइंड बॉडी सोल सबका क्लियरिंग है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और वो सब क्लियर होगा तो ही कनेक्शन होगा। तो सर के पास इसीलिए आई हूँ मैं और इसे रिट्रीट में। थैंक यू सो मच। मेरा नाम रेणु गर्ग है, जयपुर से आई हूँ। तो मेरा मकसद भी यही है कि मेरी अपने आप को जानना, जो भी मेरी प्रॉब्लम्स है वो आप सबके सर के थ्रू सॉल्व हो जाए। I'm Geeta, I'm from Dubai. I've come across him through, just like any of and of you, through many of the videos, and it just brought me towards this place. And again, it's all about improving myself. Yeah. And going, finding myself in much better and more informed way. Right. This is what I'm looking for. Thank you very much. And all the best. विद्या हूँ, मैं बेंगलुरु से आई हूँ। मेरे रेकी और एंजल थेरेपी सीखा है और मुझे इस तरह स्पिरिचुअलिटी में रहना अच्छा लगता है, इसलिए आई हूँ। नमस्ते सबको, मैं रजनी अग्रवाल न्यूयॉर्क से आई हूँ। मेडिटेशन मुझे अच्छा लगता है, आर्ट ऑफ लिविंग से भी मैं जुड़ी हुई हूँ और जब से सर को जाना है बहुत कुछ सीखा है और सीखने आई हूँ। थोड़ा माइक अपने पास नज़दीक रखेंगे ना तो जोर से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम रेखा वर्मा फ्रॉम गाजियाबाद। आई एम रेकी ग्रैंड मास्टर बट यहाँ पूरा खाली होकर के आई हूँ। आई डोंट नो एनीथिंग, आई जस्ट हैव टू कम टू लर्न। सो दिस इज माय फर्स्ट रिट्रीट एंड फर्स्ट टाइम आई एम मीटिंग एवरीवन। एंड इनको एक साल से चेज कर रही थी, नाउ फाइनली आई हैव बीन एबल टू टॉक टू हिम एंड सी हियर। थैंक यू एवरीवन। हेलो, आई एम विनी गोयल फ्रॉम इंदौर। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। वैसे ज़्यादा कुछ आता नहीं है, अभी नए नहीं बनी हूँ, लेकिन मैं स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ क्योंकि हमारे अंदर ही बहुत सारी बुराइयाँ हैं, उसे खाली करना है, बस सफाई करने आई हूँ। थैंक यू। कुछ एक्सपीरियंस सब्जेक्ट का हमारा नहीं है, कुछ एक्सपीरियंस लेने के लिए हम आया है इधर, कुछ लेकर जाएगा देने को। मैंने तो पास कुछ नहीं है, इसीलिए हम यही रिट्रीट सेशन में हम अटेंड किया। मेरे यही सब्जेक्ट में थोड़ा इंटरेस्ट है, इसीलिए हम इधर आया सर के साथ, सर के पास, आप लोग के पास कुछ पाने के लिए हम इधर है। थैंक यू। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम लोग वीडियो देख के आए हैं, तो रिट्रीट में हमें थ्योरी लेने की कम जरूरत है और हम प्रैक्टिकल ज्यादा करेंगे यहाँ पे। हम वीडियो देखने के लिए आया है। अच्छा, आप भी वीडियो देखा। हेलो एवरीवन, आई एम पूजा कपूर, आई एम फ्रॉम देहरादून एंड फ्रॉम द लास्ट फ्यू इयर्स हैव बीन ब्लेस्ड टू बी विद सर। एंड आई थिंक देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज अ किड दैट लाइक शी सेड माय थ्रोट चक्रा वाज एब्सोल्युटली ब्लॉक्ड, and then there was a time when I think it opened a bit too much.
right now, I think there is a stage where when we learn something, we get so overwhelmed with it that we want to, you know, just talk about it and just lecture everybody and, you know, just tell everybody about your knowledge, and you're bubbling with that, you know. But then there is a shadow side to yourself also. So right now, I'm in that transition phase where I want to only walk my talk. I keep giving talks, you know. But when it comes to practically applying it to yourself, we fail. And our house is, I think, the biggest learning area. So that's where I fail the most. So what I'm doing is practically applying all the talks to myself, and that is what I've come here for. So I don't know anything. I'm a student, and I will remain a student till I learn to apply everything on myself. So that's my purpose. सबका वाइब्रेशन शायद और ज़्यादा मेरे लिए अच्छा होगा सबके साथ ऐसे इंटरेक्शन करने के लिए जो मौका मैंने पाया है अच्छा रहेगा ये सोच के आई हूँ सैनी में बहुत बार बोला कि आ जाओ यहाँ पर कुछ अपॉइंटमेंट हो जाएगा बस इसलिए Good morning everyone, my name is Jayanti and I am from Delhi. Actually I just started KRK from January and about my purpose, actually my life is totally blank. So that's why I want to know the purpose of my life, that's why I am here. Thank you. Yes, Ratna ji. माइक की जरूरत ही नहीं है सो आई एम जस्ट हियर टू हेल्प पीपल एंड लर्न अ लॉट दैट्स इट आई हैव ओनली वन थिंग हाउ मच एवर आई कैन गिव हेल्प पीपल अराउंड एंड हाउ मच एवर आई कैन ग्रास एंड लर्न दैट्स इट मैं उसके लिए बहुत भूखी हूँ Good morning everybody. My name is Susan Kapoor and I've been a phonic healer for the last 4 years. I do angel therapy. But sir se main abhi kuch mehne se judi hui hu and I've experienced a lot of changes in my life and main is retreat mein bas isliye aayi hu because mujhe sir se bahut kuch seekhna hai. Thank you so much. Thank you. Yes. I am Mithi. I've come from Dehradun. मेरा कुछ पक्का नहीं था कि मैं आऊँगी एक्चुअली हाँ रचना को और सर को बड़ा पक्का था कि मैं आऊँगी मुझे पक्का नहीं था कि मैं आऊँगी क्योंकि मुझे था कि मैं छुट्टी कैसे लूँगी मैं अपनी बट मुझे एक्चुअली जब मैंने फर्स्ट सेशन लिया था PLR का मतलब इट गेव मी सो मच ऑफ एनर्जी कि दैट इज समथिंग स्टिल इन दीज टू मेडिटेशन इट्स आर फीलिंग very light तो मुझे इसे लेना I really wanted to come here कि let me just experience it so I've come to experience everything here thank you अर्चना मैडम हेलो गुड आफ्टरनून मेरा नाम अर्चना है मैं पुणे से हूँ मुझे सर के साथ काम करने में बहुत ही मज़ा आ रहा है और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है मेरे हिसाब से हर रिट्रीट आपको एक और अच्छे से लेवल पे लेके जाता है और बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हो सीखते हो और जो कॉन्शियसली है जो पता है या नहीं पता है पर होता है अपलिफ्टमेंट वो श्योर है तो वो एक्सपीरियंस करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ थैंक यू
Yes. हेलो, मैं चैनिका हूँ फ्रॉम देहरादून. मुझे नहीं पता क्या बोलना है कि मेरा पर्पस मैं आज तक नहीं जान पाई हूँ कि एक्चुअली क्या है. बस ये है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रही हूँ और मुझे जो फील होता है, मैं सर के साथ पूजा के थ्रू मैं उसमें आई और बहुत सारे मतलब अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं सर से मिलने के बाद. और आई थिंक जो मुझे फील होता है कि शायद मेरी सोल का या हम सभी का एक अल्टीमेट गोल है, दैट इज़ पीस एंड हैप्पीनेस. एंड मैं अपना एवरी मोमेंट विद माई सेल्फ एंड विद एवरीबडी मैं इस पीस और हैप्पीनेस के साथ गुजारना चाहती हूँ. इससे ऊपर मुझे कुछ नहीं समझ आता कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ या पर्पस क्या है. इट्स जस्ट लर्निंग एंड इट्स मच मोर देन एवरीथिंग. Hello, I'm Kumud from Pune. Actually, I was not knowing anything about the spirituality, but after joining SKM, and so I realized what is spirituality. And I'm learning and learning and learning, and there's so many things to learn, so I'm here for that. Thank you. संध्या शाह है, मैं बॉम्बे से आई हूँ. ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बस खींचे जा रहे हैं. कोई ऐसा लगता है खींच रहा है तो दौड़े चले आते हैं. कुछ मालूम नहीं है. नथिंग. मैं कौन हूँ, वो कौन है, क्या रिश्ता है, क्या नहीं है, कुछ मालूम नहीं. कोई है जो खींच रहा है और दौड़े चले आते हैं. आई डोंट नो बिकॉज आई एम नथिंग. हूँ ही नहीं तो प्रॉब्लम भी नहीं. हूँ नहीं तो प्रॉब्लम नहीं. तू आ गया है, तू सर, तो फिर क्या गम है. सो मुझे तो मैं जो बोलते हैं हम, तो वो एक कम्युनिकेशन करने के लिए बोलते हैं. बट इन नथिंग. कोई खींच रहा है, हम दौड़े चले आते हैं, बस यही. थैंक यू. खिंचाव बहुत जबरदस्त है. खिंचाव. यस. मजा आ गया. आंटी जी थोड़ा नजदीक आ जाइए. इधर. मैं फरीदाबाद से आई हूँ. ये मेरा थर्ड रिट्रीट है. कौन? मुझे रिट्रीट अटेंड करना बहुत अच्छा लगता है और कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है. और इस बात में अपने माइंड बॉडी सोल सबको क्लियर करना चाहती हूँ और अपने सातों चक्र खोलने के लिए आई हूँ और सर का आशीर्वाद लेकर. Thank you.
रुचि जैन, आई एम फ्रॉम देहरादून। मैंने सर के साथ करुणा रेखी और साइकिक सर्जरी सब सीखी हुई है, उसको मैं तब से आज तक प्रैक्टिस कर रही हूँ एंड इट इज वेरी पावरफुल। आई जस्ट, दिस इज माई फर्स्ट रिट्रीट। मैं तो कल बहुत अंधेर थी सर, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी, तो टुडे आई वाज टेलिंग रश्मि आई वाज नॉट एबल, बट आई डोंट नो कैसे आना हुआ, आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति जैन है, मैं गुड़गांव से आई हूँ और मेरा यहाँ आने का एक ही रीज़न है कि जब लाइफ में कुछ होता है ना कि जोर का झटका लगता है तो एकदम से समझ में आता है कि क्या हो गया मेरे साथ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, स्मूथली चल रही थी, एकदम से बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, बहुत बड़ी डिसीज से मैं लड़ रही हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और फर्स्ट टाइम मेरा ट्रीटमेंट हो गया, मैं क्योर हो गई, फिर से रिलैप्स हो गया मेरे को वो डिसीज़, और उसके बाद फिर मैं बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ और हमने किसी का ऐसा क्या बिगाड़ा है, ब्लेमिंग दूसरों के ऊपर था। बट जैसे ही मैं ऋषिकेश रिट्रीट में आई लास्ट टाइम, तो मुझे इतना रियलाइज़ हुआ कि एक्सेप्टेंस आया कि हाँ ये हमारी वजह से ही हो रहा है, तो सेल्फ एक्सेप्टेंस जो होता है, सेल्फ रियलाइजेशन, मुझे वहाँ से स्टार्ट हुआ और वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था सर से मिलना। और उसके बाद मुझे भगवान पर भी भरोसा हुआ कि भगवान मेरे साथ है, कि उन्होंने मुझे सर से मिलवाया और मैं सर से बस उसके बाद से मैं यही कर रही थी प्रे कि सर बस जल्दी से मुझे रिट्रीट में बुलाते रहो नेक्स्ट रिट्रीट में ना। और मेरा लास्ट में ये मंथ सर्जरी था, तो मैं सर को मैसेज कर रही हूँ, सर प्लीज़ मुझे हील करो कि मैं रिट्रीट में आ सकूँ जल्दी से जल्दी रिकवरी हो ताकि मैं रिट्रीट में आ सकूँ, मैं रिट्रीट मिस नहीं करना चाहती, सर प्लीज़ मुझे इसके लिए हीलिंग करना हो। तो सर ने मेरी ये विश पूरी कर दी एंड थैंक यू गॉड, आपने मुझे सर से मिलवाया, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अतुल जैन है, मैं गुड़गांव से आया हूँ। अभी जो प्रीति बोल रही है वो मेरी मिसिज है, तो लास्ट एक सवा साल से वो किसी मतलब एक्चुअल क्या होता है कैंसर से डिसीज थी, अब मैं ये नहीं बोलूँगा है क्योंकि वो जा चुकी है। और लास्ट हम यूट्यूब देख के ही सर का लास्ट रिट्रीट हमने दिसंबर में अटेंड किया था। उसके बाद लाइफ में ऐसी चेंजिंग आई, मेंटेंस चेंजिंग, कि मैं आपको मुंह से बोलूँगा तो मेरे को भी नहीं समझ आ रहा क्या बोल रहे हैं, पर अपने आप में इतना खुश हो गया कि लाइफ में परमात्मा मिल गया मेरे को। मैं ये नहीं कहूँगा कि सर मिले तो परमात्मा मिले, पर मेरे को डायरेक्ट परमात्मा ही मिल गए कि मैं और मेरा परिवार इतना खुश रहने लग गया हम आपस में। और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे को सीखना भी क्या है और करना भी क्या है, बस उस परमपिता परमात्मा से एक ही दुआ मांगता हूँ, जिस तरह प्रीति ठीक हुई है, मैं भगवान ऐसी मेरे को चीज़ें दे कि मैं सर का साथ लेकर लोगों को भी ठीक कर सकूं। बस मेरे को यही चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम एनी है और मैं सर के साथ एक साल से हूँ और अभी सर के साथ ही काम कर रही हूँ, तो मुझे मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं एंड आई एम हेयर विद यू नाइट नाउ। आप सब लोग मुझसे भी सीखेंगे एंड मैं आपसे सीखूंगी, सो थैंक यू सर एंड थैंक यू एवरी वन फॉर कमिंग। हेलो जी, हेलो, मेरा नाम सचिन, मैं फैजाबाद से आया हूँ और यहाँ आए हैं सीखने, आए हैं सीख ही रहे जब से मिले हैं सर से, रोज कुछ नया सीखते हैं, थैंक यू। तो मज़ा आ गया, बहुत कुछ जानने को मिला एक दूसरे से, काफ़ी शॉर्ट इंट्रोडक्शन था लेकिन आपने देखा कि शब्दों की गहराई, फीलिंग्स की गहराई, अनुभवों की गहराई कितनी है लोगों के अंदर, राइट। चाहे कोई पहली बार आया है, चाहे वो रिपीटर्स है, चाहे उन्होंने YouTube हमारी देखी है या दूसरों की देखी है, बट अल्टीमेटली ये है कि हम सब एक दूसरे के लिए यहाँ पर आए हैं, ये हमारा मेन मकसद है, और जितना हम एक दूसरे से यहाँ पर सीख सकें उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होगी। तो 24 आवर्स हमें यहाँ पे अपने माइंड को ओपन रखना है, चाहे हम खाना खा रहे हैं या चलते हैं, फिरते हैं, बैठते हैं, उठते हैं और एक दूसरे से सीखें भाई वो क्या हमें सिखा रहा है।
बिकॉज कहते हैं ना, जिंदगी एक खुली किताब है, जितना पढ़ो उतना कम है और जितना अनुभव लो वो भी कम है ना। तो ये सीखते सीखते अल्टीमेटली एक फाइनल डेस्टिनेशन हमारा आ जाएगा कि मैं कुछ नहीं हूँ, बस एक निमित्त मात्र हूँ जो परमात्मा ने भेजा है कुछ सीखने के लिए और कुछ सिखाने के लिए। ये इतना डेफिनेशन, ये कंक्लूजन आपको डेस्टिनेशन में आपको समझ में आ जाएगा। बाकी तो क्या है कि जितने प्रॉब्लम्स अभी आप लेके आए हो, पहले थे, ये सारे कुछ भ्रम है या तो अज्ञान है ना। तो जैसे ज्ञान मिलता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, जैसे भ्रम निकल जाता है, इल्यूजन निकल जाता है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। दो ही चीज़ें ना, क्लियरिटी नहीं है, हमें जीवन की क्लियरिटी नहीं है, प्रॉब्लम्स की क्लियरिटी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ समय जाएगा आपको समझ में आएगा ये प्रॉब्लम तो मेरा था ही नहीं, ये तो मैंने ही अपने माइंड में कुछ बना के रखा है। क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम रहता, जैसे डायबिटीज है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, ये तो एक नाम दिए गए, जैसे हमें नाम दिया, आपको नाम दिया गया, कोई बड़ी बात थोड़ी है नाम देना किसी को। बड़ी बात है मुझे बताओ, हम किसी को यार तू नालायक है, बस नाम दे दिया, समझ में कि नहीं। कोई पिक्चर जाते हैं, 3 घंटे बाद बोलते हैं यार क्या बकवास मूवी बने, बस नाम दे दिया हमने। अब उसने 2 महीने लगाए, 2 साल लगाए पिक्चर बनाने में और हमने एक झटके में नाम दे दिया। नाम का कोई मायने नहीं होता, लेकिन एक नाम निमित्त मात्र होता है। तो प्रॉब्लम भी कोई नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ एक निमित्त मात्र है कि बस ये मेरा प्रॉब्लम है। लेकिन अच्छा है कि कम से कम उस प्रॉब्लम को आपने सीरियसली लिया, इसलिए आप यहाँ पे हो। 98% लोग प्रॉब्लम को सीरियसली लेते नहीं, इसलिए यहाँ तक आते नहीं, am I right? और जब यहाँ आते हैं उसके बाद वो समझ जाते हैं ये प्रॉब्लम था ही नहीं, ऊपर वाले को धक्का मारना था इसलिए कुछ प्रॉब्लम दे दिया मुझे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमें यही दिमाग में रख के चलना है कि जो जहां जब सीखने को मिले सीखो, और जहां पे जो डिसॉल्व करना है उसको डिसॉल्व कर दो। क्योंकि अगर कुछ पकड़ के रखोगे वहम अहम, कोई फायदा नहीं है। ये दोनों ही सबसे बड़े प्रॉब्लम है। हमें सीखते हैं तो अहम आता है और दूसरों पे वहम आता है, am I right? तो ये चीज छोड़ दे तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट? तो हम भी एक ओपन प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे से सीखेंगे, चाहे बच्चा है, बूढ़ा है, कोई भी है, क्या फर्क पड़ता है, राइट? इतना है कि सीखते 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 एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं मैच्योरिटी, है ना। मैच्योरिटी आ जाती है, और जब मैच्योरिटी आ जाती है एक एक्सेप्टेंस आ जाता है। हम उस चीज को बहुत अच्छे से स्वीकार लेते हैं कि ठीक है, ऐसा मेरा पति है तो है, मेरे बच्चा ऐसा है तो है, मेरी पत्नी ऐसी है तो है, क्या फर्क पड़ता है, ये बीमारी है तो है, वो अपने जगह है। मतलब होगा क्या, यहाँ 5 दिन में आप एक चीज सीख लोगे कि मैं नहीं हूं, मैं कुछ और हूं जो समाज ने बनाया है, जो मैंने अपने आप को बनाया है। असल में मैं तो सिर्फ एक परमात्मा का अंश हूं और कुछ भी नहीं हूं। उस अंश का ना नाम है, ना कुछ काम है, ना उसका कोई मकसद है, ना उसका कोई प्रॉब्लम है और ना उसका कोई सॉल्यूशन है। बस वो सिर्फ एक ऑब्जर्वेंट है, सिर्फ एक अवेयरनेस के जरिए देखने आया है कि भाई क्या चल रहा है। हम देखते कम हैं, जज ज्यादा करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, राइट और रॉन्ग? समझ में कि नहीं? देखते कम हैं हम, जज ज्यादा करते हैं, ये बुरा इंसान है, ये पापी है, ये ऐसा है, ये वैसा है। लेकिन ये 5 दिन में आप समझ जाओगे, हम अपने आप को अलग कर देंगे, है ना। ये डॉक्टर उदय शाह, ये किसी ने नाम दिया है, ये पदवी किसी ने दी है, राइट? अगर मेरा नाम भी बदल जाए तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं आपसे यही कहता हूं कि जितनी जल्दी अपने आप को अलग कर सको आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। प्रॉब्लम किसके हैं? उदय शाह के हैं। मैं तो परमात्मा का अंश हूं, मेरा तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मैं तो डायरेक्ट सोर्स हूं उस लाइट का, शिव का, अल्लाह का, मोहम्मद का, जीसस का, कृष्णा का, है कि नहीं? उसका सोर्स हूं, मुझे प्रॉब्लम हो कैसे सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन मैं उससे डिस्कनेक्ट हो गया हूं, इसलिए प्रॉब्लम में आ गया हूं। मैं अपने आप में फंस गया हूं, मैं अपनी आइडेंटिटी में फंस गया हूं, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, राइट और रॉन्ग? है ना। क्योंकि अगर आपका प्रॉब्लम सही रहता तो ये प्रॉब्लम सबको दिख जाता। क्यों सबको आपका प्रॉब्लम दिखता नहीं है? आपकी बीमारी नहीं दिखती है किसी को,
किसी को दिखता है किसी की गांठ है, दिखती है नहीं है, ये तो क्या है, एक निमित्त था यहां तक लाने का, एक जरिया था आपको, बाकी तो कुछ भी नहीं है। तो जैसे जैसे आपकी ये समझ बढ़ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, नॉलेज बढ़ जाएगी, आप अपने आप को अलग करते जाओगे, फिर एक टाइम आएगा जब आप पूरे अपने नाम से, अपनी आइडेंटिटी से अलग हो जाओगे, आपकी कोई छाप, कोई प्रतिभा नहीं बचेगी, तब आप फिर से परमात्मा से जुड़ जाओगे, एंड दैट इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। एम आई राइट? आप डेथ और बर्थ की साइकिल से बाहर कब आओगे? जब आप अपने आप को अलग कर लोगे और ये समझ लोगे कि बस वही है, करता जड़ता सब वही है, मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र का यहाँ पे एक पात्र हूँ और कुछ नहीं है। राइट? सो विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड आफ्टर द ब्रेक हम 2 घंटा रेस्ट लेंगे, 3:30 के बाद हम यहाँ पे आएंगे। इज इट ओके? और धीरे धीरे आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, आपको कोई रश करने की जरूरत नहीं, नहीं अभी जाके मुझे अपना प्रॉब्लम समझाना है, कोई यह फिक्र मत करो। जैसे जैसे समय जाएगा, लेक्चर्स चलते जाएंगे, नलिनी आंटी, विशाल सर, हमारी जो भी टीम है, रचना दीदी, जितने भी टीम है, सर